सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9 पाठ पुस्तक हिंदी व्याकरण संबोध पाठ पांच में उपसर्ग भी है और उसका दूसरा भाग प्रत्यय भी है। तो आज हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रत्यय की परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद। जो शब्दांश, शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश, भाग, पार्ट, शब्दों के अंत में लग कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, पंकज आदि। जल बराबर पानी, ज बराबर जन्म लेने वाला अर्थात पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार पंकज में ज प्रत्यय लगकर पंख का अर्थ कीचड़ बदलकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। ज का अर्थ ऊपर बताया गया जन्म लेने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। पहला हमारा है कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत कृदंत कहते हैं। जैसे राखन प्लस हारा राखन हारा, घट प्लस या घटिया, लिख प्लस आवट लिखावट आदि। यह हिंदी के कुछ कृत प्रत्ययों और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो वह कृतवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगने से रखवाला शब्द बना। प्रत्यय शब्द रूप वाला प्रत्यय से बनने वाले शब्द पढ़ने वाला लिखने वाला रखवाला। आलू से आलू प्रत्यय शब्द रूप झगड़ालू लजालू। हारा राखन हारा सोवन हारा। ऊ से उड़ाऊ कमाऊ खाऊ चलाऊ। आऊ बिकाऊ टिकाऊ चलाऊ। एरा लुटेरा कमेरा। आक तैराक इया मुखिया घटिया। आका लड़ाका धड़ाका धमाका। एया गवैया खिवैया पढ़ैया। आड़ी अनाड़ी खिलाड़ी अगाड़ी। अक पाठक धावक सहायक आदि। कृत प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे गा में ना प्रत्यय लगने से गाना, सूंघ में नी प्रत्यय लगने से सूंघनी, बीच में औना प्रत्यय लगने से बिछौना, जिससे कोई क्रिया का बोध हो, कर्म का बोध हो, कर्म के द्वारा कोई क्रिया की जाती हो वह उसको हम कर्म वाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ना पालना शब्द रूप गाना ओढ़ना पढ़ना। प्रत्यय औना बिछौना खिलौना। नी प्रत्यय शब्द रूप सूंघनी ओढ़नी कहानी। कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कर्ण का बोध हो वह कर्णवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रेत में ई प्रत्यय लगाने से रेती बना। प्रत्यय आ शब्द रूप झटका। आ का झटका झूला। ई से रेती फांसी बुहारी। ऊ से झाड़ू। न प्रत्यय बेलन झाड़न बंधन। प्रत्यय नी शब्द रूप धोकनी कतरनी आदि। चौथा हमारा भाववाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक कृदंत कहलाता है। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगने पर सजावट बना। प्रत्यय आव बहाव चढ़ाव खिंचाव बचाव। आ और वा प्रत्यय बुलावा छलावा। आई में बुनाई लड़ाई कमाई।
आन में उड़ान, थकान, आप में मिलाप, विलाप, आस में प्यास, निकास। क्रियार्थक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण संज्ञाएं अव्यय अथवा विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द रूपता, चलता, बहता, डूबता, चढ़ता, रमता। आ भूला, बिसरा, सूखा, बैठा, जागा। ता हुआ खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ। ते ही उठते ही, बोलते ही, चलते ही। या आया, खाया, खोया, बोया, पिया। ना दौड़ना, खेलना, तैरना, मांगना। कर प्रत्यय लिख कर, पढ़कर, खाकर, देखकर, ते ते, हंसते हंसते, खाते खाते, चलते चलते। प्रत्यय का दूसरा भाग तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितान अथवा तद्धित कहते हैं। जैसे अपना प्लस पन, अपनापन, दान, दानव प्लस ता, दानवता आदि। या हिंदी के कुछ तद्धित प्रत्ययों और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है। पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, जैसे सुनार, लोहार, तेली, कहार आदि। प्रत्यय शब्द रूप आर, सुनार, लोहार, कहार। वाला टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। या प्रत्यय सुखिया, दुखिया। हारा हार, लकड़हारा, पनिहार हारा, मनिहार। ई प्रत्यय तेली, रोगी, योगी। ची प्रत्यय मसालची, खजानची। वा प्रत्यय मछुआ, गेरुआ। गर प्रत्यय कारीगर, बाजीगर, जादूगर आदि। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो, जैसे सराफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता आदि, अर्थात भाववाचक संज्ञा बन जाए। प्रत्यय आ बुलावा, सराफा। ई प्रत्यय गर्मी, सर्दी, गरीबी। आई प्रत्यय सफाई, भलाई, बुराई। औती बपौती, मनौती। आहट प्रत्यय चिकनाहट, कड़वाहट। तो प्रत्यय रंगत, संगत। इमा प्रत्यय कालिमा, लालिमा, महिमा। पन प्रत्यय पीलापन, बचपन, बड़लकपन। पा प्रत्यय बुढ़ापा, मोटापा। ता प्रत्यय महानता, प्रभुता, लघुता, सुंदरता। संबंधवाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो, जैसे ससुराल, भतीजा आदि। प्रत्यय आल, ससुराल, ननिहाल। एरा ममेरा, चचेरा, फुफेरा। जा भांजा, भती जा। लगता वाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से लगता का बोध हो, जैसे लुटिया, छोटेपन का, छोटा। इया लुटिया, डिबिया, खटिया। टी से लंगोटी, कछोटी। ई प्रत्यय कोठरी, टोकरी, ढोलकी। रा या री टुकड़ा, टुकड़ी, बछड़ा। गणना वाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से गणना, काउंटिंग, गिनती, गणना का बोध हो, जैसे इकहरा, पहला, पांचवा आदि। प्रत्यय शब्द रूप हरा, इकहरा, दोहरा, तेहरा। ला पहला, अगला, पिछला। रा दूसरा, तीसरा। वा सातवा, पांचवा, सोलहवा। वा सादृश्य वाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से समता का बोध हो, जैसे सुनहरा, सा, लाल सा, नीला सा, पीला सा। प्रत्यय हरा शब्द रूप सुनहरा। गुणवाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से किसी गुण का, वर्चू का बोध हो, जैसे भूखा, विषैला, कुलवंत आदि। प्रत्यय आ मैला, भूखा, प्यासा, ठंडा। एला विषैला, कसैला। ई भारी, धनी, लोभी, क्रोधी। लू धर्दालु, दयालु। ई भारती, वांछनी, अनुकरणी, वंत, दयावंत, कुलवंत। इला शर्मीला, रंगीला, सजीला। वान धनवान, गुणवान, रूपवान। स्थानवाचक तद्धित जिन प्रत्ययों से स्थान का बोध, जैसे जबलपुरिया, दिल्ली वाला आदि। ई प्रत्यय पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला दिल्ली वाला, बनारस वाला। या जयपुरिया, जबलपुरिया।
स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से सब स्त्रीलिंग वाचक बन जाते हैं उन स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय चाची, मामी, लड़की, नारी, बेटी, ब्राह्मणी, काकी, आनी, जेठानी, देवरानी, इन, कहारिन, मालिन, ग्वालिन, धोबिन, लुहारिन, आ, शिष्या, बाला, प्रिया, सुता, वृद्धा, नी, शेरनी, पत्नी, इंद्राणी, सी, विदुषी, मही, सी। इस प्रत्यय में लगाने पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम कर बैठते हैं, और स्त्रीलिंग वाचक में भी ध्यान रखना है। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन वाची बन जाते हैं उन्हें बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय ई, मालाएं, कन्याएं, सड़कें, पुस्तकें, नहरें, बहुएं, बोतलें, या, चूहियां, कुर्सियां, बेटियां, गुड़िया, पगडंडियां, रानियां, दवाइयां। विशेष, एक प्रत्यय लगने से शब्द में परिवर्तन आ जाता है, इसमें कोई स्वर जुड़ जाता है या बदल जाता है। जैसे वर्ष प्लस एक वार्षिक, दिक प्लस एक दैनिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, सेना प्लस एक सैनिक, समाज प्लस एक सामाजिक, समय प्लस एक सामिक, धन प्लस एक धनिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, मास प्लस एक मासिक, तत्काल प्लस एक तात्कालिक, पुराण प्लस एक पौराणिक, शरीर प्लस एक शारीरिक, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक, विश्व प्लस एक वैश्विक, अर्थ प्लस एक आर्थिक, तर्क प्लस एक तार्किक। धन्यवाद। और भी प्रत्ययुक्त शब्दों के बारे में जो हमारे स्पर्श बुक की जो भी गद्य हम पढ़ेंगे उनके शब्दों पर ध्यान देंगे, और वही शब्द हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं।